जैव विविधता संरक्षण में अफ्रीका योगदान। अफ्री कंट्रीब्यूशन इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी। विशिष्ट रेगिस्तानी परिदृश्य को समझते हुए जोधपुर राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान अफ्री वानिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के उद्देश्य से काम करता है। संस्थान का उद्देश्य है थ्रस्ट क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण एवं पारिस्थितिकी सुरक्षा के अंतर्गत एक थीम जैव विविधता का संरक्षण है, जिसके मद्देनजर संस्थान जैव विविधता संवर्धन हेतु कटिबद्ध है। राजस्थान में ओरण जैव विविधता के केंद्र बिंदु है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में बंजर रेगिस्तान में कुछ स्थानों पर पेड़ झाड़ियाँ व घास की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन उपवनों को स्थानीय रूप से ओरण के नाम से जाना जाता है। ओरण शब्द अरण्य से बना है, जिसका अर्थ होता है देव वन भूमि है। प्राचीन काल से ही ये परंपरा चली आ रही है कि गांव की सीमा से संलग्न कुछ क्षेत्र ओरण के रूप में छोड़ा जाता है। ओरण प्राचीन काल से राजस्थान के लोगों और जैव विविधता के लिए जीवित रहने के साधन के रूप में बने हुए हैं। तालाबों जैसे जल निकाय यहाँ पाए जाते हैं और ओरणों के भूमिगत पानी वाले हरे भरे स्थानों को तांडा भी कहते हैं। 6 लाख हेक्टेयर भूमि में फैले 25,000 से अधिक ऐसे ओरण हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से समुदाय द्वारा बनाए रखा और संरक्षित किया गया है। राजस्थान के कुछ महान व पूर्ण ओरणों की सूची इस तरह है। ओरण जिन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं वह है पशुओं के लिए चारागाह, पीने के लिए पानी और पशुओं के लिए विश्राम स्थल। आशिया अफ्रीका और अफ्रीका जो मैंडेट थर्स्ट एरिया और थीम है, उसमें जैव विविधता एक विषय है जिस पर हम काम करते हैं। और अफ्री ने लगभग 14 परियोजनाएं जो कि जैव विविधता से संबंधित है राजस्थान में और गुजरात में पूर्ण की है। अफ्री ने लगभग 50,000 के आसपास 10 से 15 जगहों में जोधपुर शहर में सड़कों के किनारे या ब्लॉक प्लांटेशन विभिन्न परिसरों में करके बहुत सुंदर हरियाली विकसित की है। ये ओरण पेड़ों की विभिन्न स्थानीय प्रजातियों से फल फूल रहे हैं, जैसे खेजड़ी, कुमट, बबुल, कैर, मीठा जाल, रोहिड़ा और फोग, कीप व घास जैसे सेवन। पेड़ों की रक्षार्थ 363 शहीदों की याद में जोधपुर के नजदीक खेजड़ली गांव का वार्षिक पर्यावरण मेला यहां जैव संरक्षण का एक सर्वोपरि उदाहरण है। हमारे विष्णु समाज के प्रवर्तक श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान, उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत अच्छे नियम बताए। उस नियमों पर चलते हुए हमारे विष्णु समाज के 363 सब ने जो मरुस्थल में पेड़ है हमारे खेजड़ी, उस खेजड़ी पेड़ को बचाने के लिए या इसी खेजड़ी में अपने प्राणों का निशावर दिया था, उनकी याद में यहाँ हर वर्ष ये भादवासुदी दशमी को मेला लगता है। ये घटना सन 1730 संवत 1787 भादवासुदी दशमी की है। इस क्षेत्र में शिकार और हरे वृक्ष काटने के लिए एक आदेश जारी कर दिया, निषेधाज्ञा जारी कर दी। यहाँ हमारे अफ्री के सहयोग से बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष लगाए गए हैं। इन ओरण में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे कि सियार, चिंकारा, नीलगाय, लोमड़ी, जरख, कृष्णमृग, सरीसृप, पक्षी व अन्य कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन को भी सेवन घास क्षेत्रों में देखा गया है। तो खड़ीन की वनस्पति अलग है, बहाव वाले क्षेत्र की वनस्पति अलग है। जो खेत बीच में आएंगे जिसमें हम बारहनी खेती करते हैं उसकी वनस्पति अलग है, और रेगिस्तान की वनस्पति सैकड़ों तरह की वनस्पतियां हैं। सुमेर सिंह भाटी, जो एक पशुपालक और एक नवीन संस्था ओरण बचाओ अभियान के सक्रिय सदस्य हैं, ने साझा किया कि आसपास 12 गांव ओरण में इन जंगलों पर निर्भर हैं। ये जो जगह है ये है देगराई ओरण, और यहाँ
औरण एक ऐसी चीज़ है इसमें जैव विविधता से भरी हुई है। जैव विविधता को बचाना बहुत ज़रूरी है। पशु बहुल्य इलाका ये औरण जो जहाँ जो होते हैं देवी देवताओं के और पीरों फकीरों के, जहाँ इसमें सर्व जाति के औरण होते हैं जीवन यापन करने के लिए, और इसी औरणों के ऊपर ही निर्भर है। अभी जो औरणों के अंदर है लोग धीरे धीरे इनके ऊपर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। हमने एक मुहिम छेड़ी है उसमें हमें बहुत ही बड़ा सहयोग, जैसे आप अभी हमें अफ्रीका सहयोग मिल रहा है। झुंझारों के नाम से सैकड़ों औरण आज भी जिंदा है। सेवन घास लासियरस सिंडिकस एक लोकप्रिय शुष्क क्षेत्र की प्रजाति है जो मुख्य रूप से डेजर्ट नेशनल पार्क व सीमा क्षेत्र के धोरों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आफ्री द्वारा जैव विविधता संरक्षण पर शोध कार्य की सूची। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान काजरी व वन विभाग ने विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। राजस्थान वन विभाग ने रेत के टीलों की ढीली मिट्टी को स्थिर करने और रेगिस्तान में बालू मिट्टी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1988 से 1991 तक इन टीलों पर वृक्षारोपण किया। आज औरणों और गोचरों की संख्या में इजाफा होने की बजाय दुर्भाग्य से इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। वर्तमान में गांव एवं वहां की आबादी के अनुपात में अत्यंत न्यून संख्या में औरण बचे हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने इस धरोहर को बचाने के प्रयास करते हुए वृक्षारोपण और औरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। आफ्री ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए निजी ट्रस्टों और संस्थानों को भी समर्थन और मार्गदर्शन दिया है। ऐसे ही एक प्रतिष्ठित श्री रानी भटियानी संस्थान ने बाड़मेर जिले के जसोल गांव में अभूतपूर्व वृक्षारोपण किया है। आफ्री के साथ मिलकर के उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और हमने इस एरिया में कम से कम 15,000 पौधे लगाए जो कि आफ्रीकी नर्सरी से ज़्यादातर लाए थे। पालिया और मालाजाल में जहाँ की हमने रोड के साइड में भी ये वृक्ष लगाए और इनकी बेहतर जो पौध थी वो हमें अफ्रीकी पौधशाला से मिली। महंगी होते हुए भी वो ज़्यादा अच्छी थी और उनकी ग्रोथ बेटर थी। यहाँ केवल जूली फ्लोरा या बावलिया जिसको कहते हैं तो उसका उन्मूलन करके धामन घास और ये वृक्षों का रोपण करना, हमें इसमें अफ्रीकी बहुत अच्छी मदद मिली, खास करके उनकी नर्सरी से। और एक विशेष बात यह है कि हमने उनके सहयोग से पालिया के अंदर एक अपनी स्वयं की नर्सरी स्थापित की है और वो एक आदर्श नर्सरी है जिसको कि डायरेक्टर MR बरोद साहब ने भी उसका निरीक्षण किया और उनके संस्थान के लोगों ने आकर के बार बार समय समय पर हमें तकनीकी सहायता दी। तो इसमें अफ्रीकी महती भूमिका है। वी है जसोल ट्राई टू ट्रांसफॉर्म हिलॉक विच वॉज कम्प्लीटली इन्फेस्टेटेड विद जूली फ्लोरा एंड वी वर थिंकिंग ऑफ वेज ऑफ हाउ वी कैन डू इट इन अ सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्लस ऑल्सो फाइनेंशियली सस्टेनेबल मैनर कॉन्टैक्टिंग आफ्री। We came up with a plan of what sort of species we would require. So we zeroed on certain species that were well adapted for hilly terrain. आफ्री द्वारा संस्थान परिसर, प्रायोगिक क्षेत्रों में लवणीय भूमि, चट्टानी क्षेत्र और टिब्बा स्थिरीकरण में न्यायिक अकादमी जोधपुर, वायुसेना क्षेत्र रोड, IIT जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय, JNVU नया परिसर रोड, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, वृक्षारोपण कर हरित आवरण को बढ़ाया गया है। शहरी वनीकरण हेतु जोधपुर शहर के विभिन्न स्थलों को हरा भरा किया गया है। गुजरात राज्य में भी उन्होंने प्लांटेशन
और अन्य सार्थक प्रयासों के द्वारा सैलिनिटी इंक्रेस को कंट्रोल करने के लिए काम किए गए हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफ्री अपने गठन के समय से ही इस अद्भुत शुष्क परिदृश्य के संरक्षण के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा है और आज और भविष्य के लिए ऐसा करना जारी रखेगा।